वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं सरसों का साग। सरसों का साग मक्के दी रोटी पंजाब का फेमस खाना, पंजाबी स्टाइल में सिंपल मसाले यूज करके हम बनाने वाले हैं पंजाबी तड़के का साग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिए हैं दो पालक की गड्डी और एक सरसों की गड्डी, मतलब जो हमारे सरसों की गड्डी है उससे दुगनी मात्रा में हमें पालक लेना है। उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से काट लेंगे साफ करके। आप चाहें तो इसको मशीन से भी काट सकते हैं, जो साग काटने की मशीन आती है, बट यहाँ पे हम लोग हैसिए का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ट्रेडिशनल वे है इसको साग को काटने का। तो बारीक बारीक आपको साग काट लेना है। हम लोग पालक ज़्यादा इसीलिए डाल रहे हैं इसमें ताकि जो इसका कड़वापन है सरसों का वो ज़्यादा साग में हमें फील ना हो और साग का टेस्ट बढ़ जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारे सरसों और पालक थे वो अच्छे से काट लिए हैं, उनके पत्ते। अब इनको हम अच्छे से धोएंगे। तो बहुत सारे पानी में यहाँ पे मैं धो रही हूँ एक बड़े से टब में, आप भी थोड़े बड़े बर्तन में धोएं इनको, और उसके बाद इनको बाहर निकाल कर अच्छे से धोकर उबालने के लिए एक बर्तन में डाल लें। तो यहाँ पे मैंने कुकर में डाल लिया है और मैं इसे दो बार में उबालने वाली हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी क्वान्टिटी ज़्यादा है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लें और फिर उसके बाद अगर आप कुकर में उबाल रहे हैं तो तीन सीटी दें। तीन सीटी में जो हमारा साग है वो तैयार हो जाएगा। तो हमारा ये तीन सीटी में उबल के तैयार हो चुका है एंड अब आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो इसका जो हम पानी है वो बाहर निकालने के। सो हम लोगों ने इसको फेंका नहीं है, पानी को एक जगह स्टोर कर लिया है। आप लोग भी फेंकना मत क्योंकि ये जो पानी है बाद में सब्जी में यूज़ होने वाला है। उसका जो सारा उबला हुआ पानी था वो मैंने अच्छे से स्टोर कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा मेरा पानी इकट्ठा हो चुका है एक भगोना पूरा भरकर। सो अब हम लोग यहाँ पे जो साग है उसको अच्छे से घोटेंगे और इसे पतला करेंगे। तो अभी मोटा हो रखा है ना काफ़ी, तो उसको आपको अच्छे से घोटते रहना है। तो कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे घोटने में और इसको बिल्कुल आपको पतला कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट इसको अच्छे से घोटा और इसकी जो कंसिस्टेंसी अब आप देख सकते हैं काफ़ी पतली हो चुकी है। तो बस आपको इसको इस तरह से जब कंसिस्टेंसी आ जाए तब आपको गैस पर रख देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको हाई फ्लेम पर रख दिया है। अब मैं इसका घोल तैयार करूँगी। तो इसमें हम लोगों ने मक्के के आटे का घोल बनाना है। तो मैंने एक कटोरी मक्के का आटा लिया था, छोटी कटोरी लेना आप भी, और इसका हम लोग घोल बनाएंगे। तो इसमें आप पानी दो बार में करके डालना ताकि इसमें गांठे ना बने, लम्प्स ना बने। तो इसका बिल्कुल बारीक आपको घोल तैयार करना है। तो जब आपका ये बारीक घोल तैयार हो जाएगा तो आपको इसमें साग में धीरे धीरे करके ऐड करना है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड करके इसको घोटना स्टार्ट कर दिया ताकि ये जो घोल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। एक बार में डालकर थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके डालना। सो हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे से घोटते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। अब इस साग की स्पेशलिटी ये है कि इसको बहुत ज़्यादा पकाया जाता है और बहुत ज़्यादा घोटा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग हाई फ्लेम पर इसको पका रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया है। सो इसको हम सारा अच्छे से घोट कर ऐसे पकाते रहेंगे, हाई फ्लेम पर ही पकाना है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है। तो ये काफ़ी सारा है मेरे पास, तो अभी मैं इसमें से थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 चम्मच के आसपास इसमें ऐड किया है घोल और बाकी मैंने रख लिया है। तो अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। इसको आपको अगेन हाई फ्लेम पर ही पकाना है 10 मिनट के लिए और इस तरह से चलाते रहना है। और ये हमारा जो पानी था काफ़ी ज़्यादा था तो मेरा थोड़ा सा बच गया है, मैंने इसको भी रख लिया है। तो 10 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाने के बाद मैंने इसकी फ्लेम लो कर दी और इसमें जो अदरक लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट था वो ऐड कर दिया। तो ये बचा हुआ पेस्ट भी हमने इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही डालना है आपको क्योंकि तड़के में भी डालेंगे, और थोड़ा हम लोग इसमें नमक डाल देंगे। और इसके बाद इसको लो फ्लेम पर हम पकने देंगे। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम इसका तड़के की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि हमारा साग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब बस तड़के की बारी है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ये साग जो है वो पक चुका है, घुट भी चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे हमको तड़के के लिए चाहिए 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 3 टमाटर, 2 प्याज, लहसुन और साथ में लाल मिर्च चाहिए हमको सूखी वाली। तो उन सबको हम बारीक बारीक काट के तैयार कर लेंगे। हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें डालेंगे मिर्च, लहसुन और प्याज। इनको हम लोग हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3 से 4 मिनट तक इनको अच्छे से भूनेंगे। इनका कलर जब ऑरेंज जैसा हो जाएगा तब आपको इसमें डालना है टमाटर। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी और नमक। नमक आप लोग ज़्यादा मत ऐड करना क्योंकि हम पहले से साग में डाल चुके हैं। और अब हम लोग नमक को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएँ। सो इसको कुछ हम लोग 4 से 5 मिनट का टाइम देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और धनिया पाउडर। तो जो आपको लाल मिर्च है वो भी थोड़ी ही डालनी है क्योंकि पहले आप साग में डाल चुके हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसमें आप पानी डाल देना और इसको अच्छे से आप लोग हाई फ्लेम पर पकने देना। तो कुछ मैंने यहाँ पे 6
6 से 7 मिनट तक इसको पकाया है और चलाते रहना है आपको, इसको रोकना नहीं है नहीं तो जल जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे हींग, हींग से अच्छा फ्लेवर आता है तड़के में, सो हींग को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे एंड इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मसाला तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें साग ऐड कर लेंगे एंड इस तड़के को अच्छे से साग में मिक्स कर लेंगे। सो हमारे जो साग है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है एंड यू कैन सी यार कि जो ये तड़का है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड ये पंजाबी तड़का होता है ना, इसका ना अलग ही फ्लेवर आता है। इवन अभी हम लोग इसे कढ़ाई पर और इस गैस वगैरह पे बना रहे हैं तो भी इतना ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है, आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा स्वाद इसका, इसका स्वाद भी बहुत भर भर के आता है जब आप इसे खाएंगे ना, तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा यम्मी है। बट अगर आप इसे चूल्हे पे बनाएंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये जो हमारा साग है इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और इसको कम से कम आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे अगर आप गैस पे भी बनाएंगे तो। सो हमारा साग रेडी है, अब हम लोग मक्के की रोटी के साथ साग सर्व करेंगे। मक्के की रोटी और साथ में हमारा सरसों का साग, पंजाबी खाना तैयार हो चुका है। तो इसमें आप घी बटर कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, ज़रूर डालना क्योंकि जब हम इसमें घी और बटर डालते हैं तो उसका स्वाद डबल हो जाता है। सो यार हम लोग काफ़ी टाइम पंजाब में रहे हैं और ये जो हमने साग है ना स्पेशली पंजाब से ही सीखा है। सो आई होप कि आपको भी ये साग बहुत पसंद आए, मेरा तो फेवरेट है ये वाला साग। और इसका स्पेशल बात ये भी है कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब आप इसको 1 हफ्ते तक खा सकते हैं आराम से, ख़राब नहीं होता ये क्योंकि बहुत ज़्यादा पकता है। वो लोग तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे चूल्हे पे पकाते हैं, बट आप लोग इसे 3-4 घंटे में घर पे बना सकते हैं आराम से। तो ये हमारा सरसों का साग मक्के की रोटी रेडी है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।